नमस्कार दोस्तों, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज बुलेटिन। बिजनेस से रिलेटेड न्यूज की बात करें तो शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 259 अंकों की उछाल के साथ खुला। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार गुलजार दिख रहा है। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 259 अंकों की उछाल के साथ 38,956 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 71 अंकों की तेजी के साथ 11,487 पर खुला। आज मुआवजे को लेकर जीएसटी काउंसलिंग की बैठक काफी हंगामेदार रहने की आशंका है। लोन मॉरेटोरियम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। आज जीएसटी काउंसलिंग की बैठक, 21 राज्य केंद्र के साथ फिर भी हंगामे के आसार। सोमवार यानी आज जीएसटी काउंसलिंग की बैठक होने वाली है। बैठक हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्य अभी भी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के प्रस्ताव से असहमत हैं। बीजेपी शासित राज्य समेत कुछ 21 राज्यों ने जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। इन राज्यों के पास वर्तमान वर्ष में जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 97,000 करोड़ केंद्र सरकार से उधार लेने का विकल्प था, लेकिन पश्चिमी बंगाल, पंजाब और केरल जैसे विपक्षी दलों द्वारा कर्ज उठाने के विकल्प को अब तक नहीं चुना गया है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बोले चिराग पासवान, फैसले से खुश हूं, आनंद लेने दें। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बीमार होने की वजह से पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पर बिहार चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग की अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी ने आज रविवार को बड़ा फैसला लिया और एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। हालांकि पार्टी ने कहा है कि उसकी बीजेपी के साथ किसी तरह की कटुता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि मैं आज के फैसले से खुश हूं, मुझे इस पल का आनंद लेने दें। यूपी सरकार का दावा, सीएए की तर्ज पर हाथरस के बहाने दंगा कराने की साजिश। हाथरस गैंग रेप को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा दावा किया है। कई वेबसाइट सरकार के निशाने पर हैं। दरअसल जस्टिस फॉर हाथरस जैसे सोशल मीडिया हैंडल पर कई आपत्तिजनक सामग्री आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी तहकीकात की, जिसमें पता चला एनटीसीएए के तर्ज पर हाथरस मामले को फैलाने की तैयारी हो रही। यूपी सरकार के मुताबिक जांच एजेंसियों के शिकंजा कसते ही रातों रात ये वेबसाइट्स बंद हो गई। रात में छापेमारी होते ही और सुरक्षा एजेंसियों के सक्रिय होते ही वेबसाइट तो हो गई, लेकिन एजेंसियों के पास वेबसाइट के सारे कंटेंट मौजूद हैं। सरकार का दावा है कि पीएफआई जैसे संगठन अफवाह फैलाने में शामिल हो सकते हैं। क्राइम बुलेटिन की बात करें तो हाथरस कांड में आरोपी और पुलिस टीम के साथ पीड़ित परिवार का भी होगा नार्को टेस्ट। उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस कांड में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अब इस मामले में आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने इस बात का फरमान एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद किया है। हाथरस के पुलिस अधीक्षक, एक डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स बुलेटिन पर। चेन्नई ने पंजाब को दी करारी हार, 10 विकेट से जीता मैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने बिना विकेट गवाए ये मैच 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। शेन वॉटसन ने नाबाद 83 रन और डुप्लेसिस ने नाबाद 87 रनों की पारी खेली। आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स पहली ऐसी टीम बन गई है जिसे सीजन में 10 विकेट जीत मिली है। चेन्नई इससे पहले साल 2013 में भी ये कारनामा कर चुकी है। जीत के बाद रोहित बोले, पिच थोड़ी धीमी थी, 200 रन बनाना फायदेमंद रहा। आईपीएल के 13वें सीजन के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजी की तारीफ की है। मौजूदा चैंपियन आईपीएल 13 के 17वें मैच में रविवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। रोहित ने कहा है कि बल्लेबाजों ने बोर्ड पर अच्छा स्कोर लगाया। कुणाल ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। आप गेंदबाजी रणनीति के साथ उतरते हैं, ये रणनीति कभी काम आती है तो कभी नहीं, लेकिन आपको हमेशा सही गेंदबाजी करनी होती है। टेक्नोलॉजी से संबंधित बुलेटिन की बात करें तो वीआई नए प्लान में दे रहा है 100 GB डेटा, नहीं होगी डेली लिमिट। वोडाफोन आइडिया के रीब्रांडेड वर्जन वीआई ने भारत में एक नए बेस्ट इन कैटेगरी प्रीपेड डेटा पेश किए हैं। इस प्रीपेड पैक के तहत यूजर्स को 100 GB 4 GB डेटा ₹351 में मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 56 दिन की होगी। वीआई के ₹109 वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉलिंग, टोटल 1 GB डेटा, 20 दिन की वैलिडिटी और 300 SMS दिए जाते हैं। वहीं ₹169 वाले प्लान में अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, रोज 1 GB डेटा और रोज 100 SMS दिए जाते हैं। इसकी वैलिडिटी भी 20 दिन की ही है।
त्योहारी सीजन में शॉपिंग के लिए हो जाए रेडी। 16 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल। भारत में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इस बीच ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ये घोषणा की है कि बिग बिलियन डेज 2020 सेल की शुरुआत 16 अक्टूबर को होगी। ये सेल बिग बिलियन डेज सेल 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान ग्राहकों को ढेरों डील्स और ऑफर्स दिए जाएंगे। कोरोना से संबंधित न्यूज की बात करें तो देश भर में कोरोना का कुल आंकड़ा 66 लाख के पार जा चुका है। उसी के साथ मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी है। हालांकि 66 लाख में से 55 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और लगभग देश भर में अभी 9 लाख एक्टिव केसेस हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक्स को। धन्यवाद।